जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या हाल है और कितना आप ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे अपनी ओलिगोपली के हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने क्लूसिव ओलिगोपली और नॉन क्लूसिव ओलिगोपली उनकी डिस्कशन की थी, और हम अब उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपली, प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोपली, उनकी चीज़ों को हमने देखा था, और उसमें हमने आइडेंटिफाई की थी डिफरेंट फीचर्स, इंटरडिपेंडेंस, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट और इनसाइड कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी, बैरियर्स टू एंट्री, मर्जर्स, होमोजीनियस एंड और डिफरेंशिएटेड प्रोसेस। अच्छा जी, अलीशा कह रही हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लास्ट डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी, लास्ट डिसएडवांटेज जी, अलीशा इसकी बात कर रही हैं, प्राइस इज हायर देन एमसी। जी रिशा जी, तो प्राइस इज हायर देन एमसी की बात कर रही हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, मोनोपोली के अंदर भी हमने देखा था कि प्राइस हायर थी परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है, प्राइस कैसे निकलती थी। एमसी प्राइस निकाल लिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस इज एम आर, दिस इज ए आर। तकरीबन इधर ही कर ले ए आर। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपकी प्राइस इज दिस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इज लाइक दिस, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस की, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, आपकी ए आर जो यहाँ पे भी हमें नजर आ रही है रिलेटिवली इलास्टिक ए आर होती है आपकी बिल्कुल इधर, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे नहीं होती अलीशा, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे नहीं होती। जब परफेक्ट कंपटीशन में आपकी ए आर यहाँ पे होती तो डेफिनेटली आपकी प्राइस इससे कम होनी थी। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि ए आर और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उनके ए आर में फर्क होता है, तो सेम पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम आया उस पॉइंट के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन और ए आर इनके दरमियान में फर्क होना था। यहां पे यही बात सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जनाब मोनोपोलिस के कंपटीशन में क्योंकि मोनोपोली का एलिमेंट मौजूद होता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के जरिए से, तो इस वजह से आपकी प्राइस जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस होती उससे हाई होती है। ये सिर्फ बात यहाँ पे डिसएडवांटेज के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है। अंडरस्टैंड, प्राइस इज हायर देन एमसी। मार्जिनल कॉस्ट हायर देन मार्जिनल कॉस्ट विद इनएफिशिएंट व्हेन कंपेयर्ड टू परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन पे हमारा हमने देखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आना था, ऐसा ही है ना, परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आना था, और यहाँ पे हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का भी चांस है क्योंकि मोनोपोली की वजह से। तो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि मार्जिनल कॉस्ट और परफेक्ट कंपटीशन और उस सब में भी हमें बेहतर चीज निकल आती है। कोई मुश्किल इसके अंदर कोई बात मजीद अलीशा अंडरस्टैंड की है? सिर्फ उसने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि प्राइस जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती, परफेक्ट कंपटीशन होती एमसी, यहाँ पे उसने कहा एमसी की जगह इसको यहाँ पे हायर देन पीसी परफेक्ट कंपटीशन कहना चाहिए, तो ये थोड़ा सा इसकी गलती। अच्छा जी, लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन जो हम पे हम थे, हमने देखा था कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली को हम देख चुके थे, और स्ट्रेंथ ऑफ क्लूजन को हम देखना चाह रहे थे कि जनाब आपने ये बात तो कह दी कि वो लोग मिलकर जी परफेक्ट कंपटीशन समझ लें, वहां पर एमसी की जगह परफेक्ट कंपटीशन समझ लें, क्योंकि प्राइस तो आमतौर पर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी एसी के बराबर ही आती है, एवरेज कॉस्ट के बराबर ही आती है, तो इसलिए हम वहां पे परफेक्ट कंपटीशन समझेंगे। तो हर सूरत में मार्जिनल कॉस्ट से तो हमारी प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी मार्जिनल कॉस्ट से हमारी प्राइस हाई होती है, देखी थी हमने कि नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर भी प्राइस हमारी हाई होती है चाहे परफेक्ट कंपटीशन ही हो, तो उसके ऊपर क्योंकि एआर और एमसी दोनों बराबर होते हैं, एआर एमआर दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आती है तो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जब एसी इसको कट करता है तो ये मिनिमम प्राइस होती है, इसके ऊपर आपकी प्राइस एमसी के बराबर आ जाती है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, ये एमसी के बराबर आ जाती है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी यहाँ पे आ रही है। और जब कभी आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो उसके अंदर ये एसी है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज योर एमआर, दिस इज योर एआर। अब मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ पे है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस कहाँ पे जाके आएगी, प्राइस यहाँ पे आएगी, और अगर आपकी नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा तो फिर क्या है? प्राइस यहाँ पे आएगी, कास्ट के बराबर भी आएगी तो प्राइस यहाँ पे आएगी जो कि मार्जिनल कास्ट से हाई है। तो यहाँ पे मार्जिनल कास्ट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल कास्ट के ऊपर ही आपकी प्राइस आ रही है, ठीक है जी। तो ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन है। इसलिए अगर उसने वहां पे मार्जिनल कास्ट भी यूज किया है तो भी ठीक है, अगर उसने वहां पे परफेक्ट कंपटीशन यूज करता है तब भी ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव दी। अब तो हमने कहा जी कि सारी बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन क्या ये लोग इतने ही अच्छे होंगे कि आपस में एक मिलजुल के जो उनसे आना वो डिसाइड कर लेंगे, लोगों की लड़ाइयां नहीं होंगी? आपने तो कहा था कि इसमें फियर्स कंपटीशन है, एक मुकाबलेबाजी बहुत शिद्दत के साथ है, तो जनाब कंपटीशन होगा लेकिन जहां पे उनको लगेगा कि हम ये कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे, उन फैक्टर्स की मौजूदगी में वो कंपटीशन को छोड़ के वो मजबूर हो जाएंगे
एक दूसरे के साथ मामलात को एग्रीमेंट के मुताबिक लेके चलने के, वो कौन सी है? वो हमने कहा कि जनाब आप स्ट्रेंथ ऑफ क्लूजन देखिएगा, क्लूजन ओनली पॉसिबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, ये कंडीशंस हैं क्लूजन होने की, अगर ये कंडीशंस नहीं होगी तो क्लूजन पॉसिबल ही नहीं होगा, वो लोग कर ही नहीं सकेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है? वेरी फ्यू फर्म्स आर ऑपरेटिंग विच आर वेल नोन टू ईच अदर, बहुत थोड़े से लोग हैं, जैसे ओपेक के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिस भी कंट्री से ऑयल या पेट्रोल एक्सपोर्ट होना है वो गिनी चुनी 8-10, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो आइडेंटिफाइड है, वेरी वेल नोन है, और पूरी दुनिया में जहां पे भी एक्सपोर्ट होना है किसी ने, तो वो किसी ना किसी वेसल के तहत होना है। ये नहीं हो सकता कि जी कि मैंने जेब में डाला है 1 बैरल या 10 बैरल या 1,00,000 बैरल जेब में डाले और मैं ले गया, पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेल नोन, आपकी ट्रांजैक्शंस वेरी वेल नोन, आइडेंटिफाई हो जाती है कौन बंदा कितना सप्लाई कर रहा है, पता चल जाता है, छुपा नहीं सकते। They are open with each other regarding cost and production method. आपस में उनको cost और production method का भी पता है। ये किसी को शक नहीं है कि सऊदी अरब की production cost जो है वो production method को उसने अच्छे लगाए हुए हैं, उसकी production cost कम है, और अगर हम $40 पर बैरल के ऊपर भी आ जाएंगे तो फिर भी सऊदी अरब बचत कर रहा होगा। उनको पता है कि हमारा एक जैसा ही निज़ाम है, एक जैसी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक जैसा हमारा प्रोडक्शन टेक्निक है, और इस वजह से दे आर ओपन विद ईच अदर, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ विद इन देम नहीं है। प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड कॉस्ट आर फ्रॉम्स आर सिमिलर कॉस्ट की प्रोडक्शन टेक्निक है, कॉस्ट भी सिमिलर है उनकी, दे प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी एग्जाम्पल देखते हैं, मोबलिंक, वारिद, टेलीनार, वो क्लूजन नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं क्लूजन कर पा रहे? इसलिए कि उनको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट हिडन है, पता नहीं है, जो आपकी एक दूसरे के साथ इतनी ओपनली वो एक्सचेंज नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी फर्क है, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होगी। डोमिनेंट फर्म होना जरूरी है, कोई एक डोमिनेंट हो जो कि सरवाइव करने के लिए बाकियों के साथ मिलकर कोई डिस्कशन कर सकती हो, जैसा ओपेक के अंदर सऊदी अरब हमें लगता है कि डोमिनेंट फर्म है, जिसकी वजह से वो ऑन द टेबल आ जाते हैं। There are significant barriers on entry of new firm. The market is stable, that is no price war and price rivalry. Non-intervention by the government to hinder collusion. ये चीजें होंगी तो हमारी जो collusive oligopoly है वो काम कर पाएगी। अगर ये चीजें नहीं होंगी, एक दूसरे से आप चीजें छुपा रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट इस तरह की होगी जिसको कि आप ओपनली अवेलेबल नहीं होगी इंफॉर्मेशन, जिसकी ट्रांसफर के हवाले से, सेल्स के हवाले से, तो हर शख्स दूसरे शख्स के ऊपर, हर प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर शक करता रहेगा कि वो ज्यादा बेच रहा है, मैं कम बेच रहा हूं, तो उस वजह से फिर आप सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली प्ले ही सिर्फ सप्लाई को कंट्रोल करके करती है, जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे देखिए, एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली चाहती है ये नॉर्मल सप्लाई डिमांड कर रहा है, ये नॉर्मल सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली चाहती है कि मैं इतनी प्राइस के ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब सप्लाई रिड्यूस हुई, लेकिन मार्केट के अंदर इस सप्लाई के ऊपर नॉर्मल कंडीशन के अंदर
इतने ज्यादा लोग सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते, हो जाते ना नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, इतने ज्यादा लोग सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते तो डेफिनेटली लोगों को इंसेंटिव होगा कि यार मार्केट के अंदर इस प्राइस, अगर दिस प्राइस आई एम गेटिंग, आई एम विलिंग टू सप्लाई मोर। बट क्लूजन की वजह से उनको अपनी सप्लाई यहां पे रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ रही है। तो हर शख्स कोशिश जरूर करेगा, अगर ये ऊपर वाले मामलात ना हुए, हमारे पास ओपनली एक दूसरे के साथ शेयरिंग डेटा कॉस्ट ये सारी चीजें ना हो रही हैं, तो हर शख्स कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह से ज्यादा सप्लाई स्नीक करके मार्केट में सप्लाई कर दूं। ये इंसेंटिव होगा उसके लिए, होगा कि नहीं होगा। सक्सेस और फेलियर ऑफ प्राइस कार्टल, सक्सेस फेलियर किस पे है? प्राइस कार्टल व्हेन द कार्टल फर्म हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल नियरली टोटल सप्लाई इन द मार्केट, होगा। हाउएवर द मेन ड्रॉबैक और वीकनेस ऑफ प्राइस कार्टल्स आर दैट ईच फर्म विशेस सीक्रेटली टू सेल मोर आउटपुट देन द अलॉटेड शेयर, विच रिजल्ट इन ब्रीचिंग द प्राइस कार्टल एग्रीमेंट। द फेलियर और सक्सेस ऑफ कार्टल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है आईकैप के अंदर के सक्सेस फैक्टर्स ऑफ द प्राइस कार्टल वो क्या हो सकते हैं। कंट्रोल ऑन सप्लाई, वेदर प्राइस कार्टल इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर और ऑल ऑफ द सेलिंग फर्म ऑफ द प्रोडक्ट। इफ द प्राइस कार्टल इज कंट्रोलिंग द सप्लाई, प्राइस कार्टल्स आर सक्सेसफुल, अदरवाइज प्राइस कार्टल विल ब्रेक। लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ओपेक की है। ओपेक के मुकाबले में वर्सेस आगे हम उसको कहते हैं शेल, शेल कंपनीज आ गई, उन्होंने ज्यादा सप्लाई मार्केट में प्रोवाइड कर दी। पहले सिर्फ अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट करता था ऑयल को, एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी अमेरिका की तरफ से। साल दो साल पहले अमेरिका ने इजाजत दी और सिर्फ वो रिसोर्सेज रिजर्वायर्स एक्सप्लोर करने की इजाजत दी जहां पे जमीन के अंदर रिजर्वायर के तौर पे नहीं थे लेकिन थोड़ी थोड़ी जगहों पे ऑयल के रिजर्व्स मौजूद थे, थोड़े थोड़े थे। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी बनी जिसको शेल टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वो पत्थरों के दरमियान में जो ऑयल रिजर्व होते हैं उनको वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है ये टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। जब वो कंपनीज शेल कंपनीज आई तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, तो उस ऑयल को अमेरिका ने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जब वो कंट्रीज वो शेल कंपनीज मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेकर आई, ऑयल लेकर आई, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, जो सऊदी अरब, रशिया, वेनेजुएला, ईरान, इराक, ये सब लोग थे, तो लाभ वाला नया मार्केट में प्लेयर आ गया। जब मार्केट में नया प्लेयर आया तो प्राइस वार शुरू हो गई। ये ओपेक एक तरफ और शेल कंपनी एक तरफ, तो वो जो $110 पे $120 पर बैरल के ऊपर ऑयल ट्रेड हो रहा था वो प्राइस वार के चक्कर। अब प्राइस वार क्यों हुई? क्योंकि ये ओलिगोपली मार्केट थी, इसके अंदर थोड़े सप्लायर्स थे, मार्केट के अंदर शेयर पे कब्जा करने के लिए उनको प्राइस कम करके मार्केट से अपना शेयर लेना था। जब इन लोगों ने जाके यूरोप की कंट्रीज को कहा कि आपको सर्दियों में, जो सर्दियों में क्योंकि यूरोप में बर्फबारी ज्यादा होती है और वहां पे हीट क्रिएट करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, तो वो कहते थे जी कि आप हमसे ऑयल ले लें, और यूरोप की मार्केट एक बड़ी मार्केट थी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को अपनी मार्केट के शेयर को बरकरार रखने के लिए अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा।
फिर प्राइस वार के अंदर आ गए। जब प्राइस वार में आए तो वो प्राइस गिरते 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 वो $40 पर बैरल तक नीचे गिर गई थी। तो वो क्यों गिरी थी? क्योंकि कंट्रोल ऑन सप्लाई खराब हो गया था। सप्लाई नई नए शख्स आ गया था, उसने सप्लाई करनी शुरू कर दी थी। तो वो कंट्रोल ऑन सप्लाई अगर तो बरकरार रहेगा तो प्राइस कार्टल इफेक्टिवली काम करेगा। अगर कंट्रोल ऑन सप्लाई बरकरार नहीं रहेगा तो प्राइस कार्टल इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। इसी तरह से जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, इन्होंने भी प्राइस कार्टल बनाया। इन्होंने कहा जी सप्लाई कम कर दें, जो सीमेंट का थैला पहले 150 रुपये का मिलता था वो करते करते 700-800 रुपये में चला गया। जब 700-800 रुपये में चला गया तो वहाँ पे सप्लाई को तो इफेक्टिवली कंट्रोल किया, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ गई। गवर्नमेंट का लोगों ने कहा कि नहीं आप ये आप मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी जिसको कहते थे, कंपटीशन कमीशन जिसको आजकल कहते हैं, तो वो उसने आके कहा कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, ये आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मोनोपोली आप क्रिएट नहीं कर पाते, करना चाहिए मार्केट की सिचुएशन को। उसने फिर उनको फाइन भी किया, पेनल्टीज भी लगाई और इसी तरह से। और अगर हम ये सप्लाई वाली बात करें तो अगर उस सिचुएशन में जब उन्होंने 700-750 रुपये के ऊपर थैला पहुंचा दिया था, कोई शख्स बाहर से सीमेंट इम्पोर्ट कर लेता पाकिस्तान के अंदर, तो भी उनको अपना शेयर बरकरार रखने के लिए मार्केट में नए प्लेयर्स को रोकने के लिए प्राइस कम करनी पड़ती और फिर कंपटीशन के अंदर आना पड़ता। तो सप्लाई का कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सक्सेस फैक्टर फॉर द कार्टल। देन क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिस प्रोडक्ट को हम रोक रहे हैं, सप्लाई रोक रहे हैं, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो डेफिनेटली हमारा लोग हमारी प्राइस बढ़ने से, हमारी सप्लाई कम होने से लोग दूसरों की प्रोडक्ट के ऊपर, क्लोज सब्स्टिट्यूट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारी डिमांड को रिड्यूस करेगा। जब डिमांड रिड्यूस करेगा तो हम जो सप्लाई कंट्रोल करके प्राइस को बढ़ाना चाह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सप्लाई को कंट्रोल करते और प्राइस को हम बढ़ाते हैं, तो पता चलता इसके डिमांड भी जनाब वो कम हो गई है, तो वो प्राइस जितनी हम चाह रहे थे उससे कम बढ़ेगी। तो डिमांड को शिफ्ट नहीं करना करवाना हमने। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो फिर हमारा प्राइस कार्टल इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। और ईज विद विच सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड, ये भी जरूरी है। अब वो जो आपकी मोबाइल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो अगर कहें कि हम आपस में कार्टल करते हैं तो वो हर बंदा एक दूसरे को वो शक करता रहेगा, ये पता नहीं इनकी कितनी यूजेज है, कितनी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल होगा कि नहीं होगा? या टेलीकॉम कंपनीज भी आपस में कार्टल कर सकती, मुश्किल हो जाएगा टेलीकॉम वालों को, क्योंकि हर एक का कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पता नहीं क्या चीज असल है क्या नकल है, किसी शख्स को पता नहीं चलेगा। सीमेंट के अंदर हर शख्स को गवर्नमेंट ने अपने कस्टम के ड्यूटीज के लोग बाहर बैठाए होते थे हर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर, तो जो भी ट्रक निकलता था वो गवर्नमेंट के खाते में आता था और गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट करती थी, तो इसलिए वो हर शख्स को पता होता था कि गवर्नमेंट अगर जो रिपोर्ट कर रही है वो दुरुस्त रिपोर्ट कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे भी सप्लाई इजीली कंट्रोल हो सकती थी। और ये आयल भी हमारे पास रहता है कि इंटरनेशनली होना है तो हम इजीली एक दूसरे को देख रहे हैं कि किस वेसल के अंदर जा रहा है, किस में नहीं जा रहा, कौन सी कंट्री से ओरिजिन है, इंटरनेशनली क्लियर इंफॉर्मेशन सबके पास मौजूद है। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड ना कम हो जाए, कहीं ऐसा ना करें कि हम अपनी जो इफेक्टिवली अगर हमारे पास दिस डिमांड दिस सप्लाई, तो हम सप्लाई को रोकेंगे तो
इतनी प्राइस ही पड़ेगी। और अगर डिमांड ये थी तो आपकी सप्लाई रोकने से प्राइस ज़्यादा बढ़ती। तो अगर तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी बिल्कुल ये है तो प्राइस इधर ही रोकेंगे, इधर ही रुक जाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मेरी इस ग्राफ की समझ आई, पिक्चर की समझ आई किसी को कि नहीं? ये मैंने ये बात कही है कि जनाब अगर आपकी मार्केट के अंदर ये डिमांड का वह नॉर्मल ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो अगर आपने सप्लाई रोकी तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइस कितनी बढ़ेगी। और अगर आपकी डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक थी, फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली इन इलास्टिक थी डिमांड कर्व, तो आपकी प्राइस ज़्यादा बढ़ती। और अगर आपकी डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती तो आपकी प्राइस कम बढ़ती। तो आपकी डिमांड कर्व का इलास्टिक होना या इलास्टिक ना होना ये इम्पैक्ट डालेगा आपकी प्राइस कार्टल कितना इफेक्टिव होगा। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक होगी तो आपकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आएगा, और अगर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी तो आप सप्लाई रिड्यूस करके अपनी प्राइस के अंदर फिर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं ले पाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट हियर। एग्रीमेंट ऑन इंडिविजुअल शेयर के जो लोग हैं, क्वार्टल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मामला तय कर लें, कोटा एक दूसरे के साथ तय कर लें कि मार्केट में कितनी सप्लाई मैंने करनी है, वो जरूरी है। जी फिजा यही कह रहे हैं जी, ठीक है। अगर एक दूसरे को कोशिश करेंगे, हमने जैसे पहले देखा कि इंसेंटिव तो होगा कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर हम ज़्यादा सप्लाई कर दें, बट वो फिर आप इफेक्टिवली कार्टल काम नहीं कर सकेगा। नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली किंग्स डिमांड कर्व। अच्छा जी, अब आ जाएं, ये हमने सारी इंक्लूसिव की बातें देखी, अब आ गया नॉन इंक्लूसिव। नॉन इंक्लूसिव में क्या है लड़ाई, प्राइस वार। नॉन इंक्लूसिव में लड़ाई है, प्राइस वार है, नो एग्रीमेंट है, ऐसा ही है ना? तो नॉन इंक्लूसिव में आप अगर कोई सा भी डिसीजन लेंगे, नॉन इंक्लूसिव में आप कोई सा भी डिसीजन लेंगे तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ दी सप्लायर है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन है। उसकी वजह से क्या होगा, लोग आपको आपके डिसीजन को या तो फॉलो करेंगे या आपके डिसीजन को देखेंगे। हम अपने मार्केट शेयर को कितना बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर हम ये हर शख्स ये कोशिश कर रहा होगा ना, हायर मार्केट शेयर लेने का। नॉन इंक्लूसिव में फाइट है ना, हर शख्स मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम भी होगा। मार्केट के अंदर एक अपना एक इक्विलिब्रियम होगा। मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक अपना इक्विलिब्रियम भी तो होगा। डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल इंडस्ट्री की, डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल इंडस्ट्री की एक प्राइस भी तो डिटरमिन होगी, होगी कि नहीं होगी? अब मैं अगर ये चाहूं, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर मैं ये चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट कि जनाब मैं अपनी रेवेन्यू को बढ़ाऊं, डिमांड को बढ़ाऊं, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास मैं यहां अपनी प्राइस को मैं अपनी प्राइस को रिड्यूस करूंगा, ऐसा ही है, प्राइस को रिड्यूस करूंगा ना जी। क्यों क्यों मैं रिड्यूस कर रहा हूं, इंक्रीज डिमांड।
लेकिन क्या डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस को रिड्यूस करने से? प्राइस को रिड्यूस करने से डिमांड इंक्रीज होगी? आपकी मार्केट शेयर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस थी 10 और आपका क्वांटिटी डिमांड थी फॉर एग्जाम्पल 100 और आपका रेवेन्यू था फॉर एग्जाम्पल 1000। ठीक है जी। अब आपने कहा मैं इतना करता हूं, मैं चालाक बनाना। मैंने कहा अभी के मैंने लाभ डिमांड पढ़ लिया है, मैं प्राइस को रिड्यूस करूंगा तो इससे मेरी डिमांड में इजाफा होगा। आपने कहा मैं 5 रुपये प्राइस को कर देता हूं, 5 रुपये प्राइस करूंगा तो डेफिनेटली मेरी जो डिमांड है उसके अंदर इजाफा होगा। वो डिमांड में इजाफा इतना होगा कि मैं बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। लेकिन दूसरे लोग भी तो बैठे हुए मार्केट में, जब आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो वो तो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कोई 500 के करीब पहुंच जाए। आपको तो फायदा तब होता जब आपको 500 के करीब पहुंच जाती, आप 2500 कमाना शुरू कर देते, रेवेन्यू आ जाता आपको। तो वेन एवर यू टेक दिस डिसीजन ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस, कंपटीशन विल फॉलो। प्राइस रिड्यूस, कंपटीशन, कंपटीशन विल फॉलो। वो कंपटीशन आपको आपकी कॉपी करेगा। आपने 5 रुपये प्राइस की, उन्होंने भी 5 रुपये प्राइस कर दी। तो आप जो ये सोच रहे थे कि जनाब मैं इसको 500 यूनिट्स पे लेके जाऊंगा, आप वापस अपने 100 यूनिट के ऊपर ही आ गए और इफेक्टिवली आपका जो रेवेन्यू है वो 500 रुपये के ऊपर आ गया। ऐसे ही हुआ। कंपटीशन फॉलो करेगा। कंपटीशन क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि कंपटीशन ने भी अपना, क्योंकि हमने ये पहले देखा है कि आपको अगर 500 यूनिट आपके होंगे तो दूसरे किसी के यूनिट्स में रिडक्शन आएगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर, उसकी सेल्स के अंदर रिडक्शन आएगी, रेवेन्यू के अंदर रिडक्शन आएगी। तो कंपटीशन प्राइस रिडक्शन के अंदर कंपटीशन आपको फॉलो करेगा और आप बजाय इसके प्राइस रिडक्शन से फायदा उठाते आपके ओवरऑल रेवेन्यू में कमी आ जाए। और दूसरी जानेब जब प्राइस इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है? प्राइस इंक्रीज, मैं प्राइस इंक्रीज क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा यार प्राइस इंक्रीज करता हूं, मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं। अब देखो ना यार, मैंने प्राइस रिड्यूस की थी, प्राइस रिड्यूस की थी, मेरी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड इन इलास्टिक है। मैं इससे ये इन्फर कर रहा हूं कि आई हैव एन इन इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही है ना, इस सिचुएशन में तो हम देख रहे हैं कि प्राइस से हमारी कोई डिमांड की ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा प्राइस रिड्यूस करने से। तो इन इलास्टिक डिमांड हमारे सामने है। हमने कहा अच्छा यार, इसका मतलब है दैट इज एन एडवांटेज वी कैन अटेन, लेट्स इंक्रीज प्राइस। प्राइस को इंक्रीज करो टू इंक्रीज रेवेन्यू। क्यों कर रहे हैं इंक्रीज? टू इंक्रीज रेवेन्यू, हम रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स डू दैट। हम कहते हैं चलो ठीक है, प्राइस वाज दिस, क्वांटिटी डिमांडेड वाज दिस। प्राइस थी 10, क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, टोटल रेवेन्यू वाज टी आर, समझ लें 1000। अब हमने कहा चलें प्राइस को रिड्यूस करके तो फायदा नहीं हुआ, प्राइस को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करेंगे प्राइस, हमारी तो इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है, दैट मीन्स हम 1500 ज्यादा रेवेन्यू कमा लेंगे। ये तो हमने बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन जनाब ये आप बैठे हुए ओली अपनी मार्केट कंडीशन के अंदर, जब आप प्राइस इंक्रीज करेंगे कंपटीशन विल नॉट फॉलो।
नॉट फॉलो, कंपटीशन आपको फॉलो नहीं करेगा। कंपटीशन फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी रूटीन की प्रोडक्ट है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, और दूसरे लोग भी वो प्राइस कम प्राइस के ऊपर, उन्होंने 10 रुपए के ऊपर ही रखा हुआ अपनी प्राइस, 10 रुपए पे रखी हुई है, तो लोग आपकी प्रोडक्ट से शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे हाई प्राइस के ऊपर, वो आपकी प्रोडक्ट से शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है सिर्फ आपके पास 20 यूनिट्स रह जाएं और आपका रेवेन्यू 30 रुपीज पे गिर जाए, 30 रुपीज पे गिर जाए। और हम समझें कि हमने तो यहां से सीखा था कि जनाब हमारी डिमांड इन इलास्टिक है और हम प्राइस इंक्रीज करके जो मार्केट की प्राइस है उससे ऊपर चले जाते हैं, मार्केट की प्राइस से हम ऊपर जाके अपना रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं। तो उसने कहा नहीं जनाब, मार्केट की प्राइस आपको फॉलो नहीं करेगी, अगर तो आप प्राइस डिक्रीज करते फिर मार्केट में की प्राइस आपको फॉलो करती, बाकी सब लोग भी अपनी प्राइसेस रिड्यूस करते, लेकिन इस सिचुएशन में मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी और आपकी जो डिमांड कर्व है दैट विल बी इलास्टिक, यू विल हैव एन इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होगी, प्राइस इंक्रीज जो मार्केट की प्राइस से उससे ऊपर नीचे आप जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे मार्केट की प्राइस से तो आपकी डिमांड कर्व विल बी इन इलास्टिक, और प्राइस से ऊपर जाएंगे तो आपकी डिमांड कर्व विल बी इलास्टिक। ये एक चीज हमें मतलब समझ आई, आई समझ के नहीं आई। अच्छा सर, ये तो आपने बातें सही बता दी, फिर ये बताइए कि इसकी रेवेन्यू कर्व्स किस तरह की होंगी। तो रेवेन्यू कर्व्स के लिए हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास रेवेन्यू कर्व है अपनी, अल्लाह भला करे आपका, मोनोपोली की, और एक रेवेन्यू कर्व है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ऐसा ही है क्या नहीं है? तो अब ये इनका जो रेवेन्यू कर्व है दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग रेवेन्यू कर्व, जो ए डिमांड कर्व, जो ए आर कर्व है, ये जो ए आर और ये जो ए आर है, ये एक इंटरेस्टिंग डिमांड कर्व होगा। इंटरेस्टिंग डिमांड कर्व किस तरह से होगा कि जनाब एक पॉइंट तक तो ये हमारे पास, थोड़ा सा मैं दोबारा रीड्रा कर रहा हूं, दिस इज एयर एंड दिस इज एम आर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिस इज एम आर एंड दिस इज ए आर। एक पॉइंट तक तो हमें नजर आता है कि जनाब ये हमें जो मार्केट की प्राइस है उस तक तो ये आपस में चलते रहेंगे, उस प्राइस से ऊपर वी विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड कर्व, उस प्राइस से नीचे वी विल हैव इलास्टिक डिमांड कर्व। प्राइस से ऊपर इनइलास्टिक, प्राइस से उस प्राइस से ऊपर इलास्टिक, उस प्राइस से नीचे इनइलास्टिक। तो अब हमारे पास ये जो दो डिमांड कर्व्स आ रही हैं, असल में 10 बजे का टाइम होता जा रहा है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन अब देखता हूँ किस हद तक तेजी के साथ कर सकता हूँ। जो दो डिमांड कर्व आ रही हैं उनके अंदर हमें किसी पॉइंट पर एक पॉइंट पर हमारा इलास्टिक होगा और दूसरे पॉइंट पर हमारा इन इलास्टिक होगा। दिस इज ए आर, ये जो
आपका AR कर्व विल बी मूविंग लाइक elastic and inelastic. So we will have like this. Hamara AR curve will be like this. Uska, jo elastic and inelastic, ye AR curve hoga. Ab unse related, jo dono पॉइंट्स थे उनसे रिलेटेड जो हमारा एमआर कर्व है, एमआर कर्व इस पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल हमारा अब ये देखिए, जिसका जो हमने एआर लिया उसी का ही एमआर लेंगे, ये एमआर हमारा नहीं है, और जो एआर लिया उसी का ही हम एमआर लेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट के ऊपर जो हमने एम आर लिया उसके दरमियान में गैप आ गया. दिस इज एम आर, ये एम आर इस कर्व से रिलेटेड था और ये एम आर इस कर्व से रिलेटेड था. इन दोनों कर्व्स के दरमियान में गैप आ गया. दिस इज कॉल्ड किंक्ड. किंक क्या होता है? जो ट्विस्टेड सा है, ट्विस्टेड सा है, उस वजह से किंक डिमांड कर्व, ये किंक डिमांड कर्व, ये एआर, ये एआर, यहां पे इलास्टिक, यहां पे इनइलास्टिक. एलिशा कल फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक का, इसको पढ़ लें. और यहां पे ये देखें, ये एम आर उन्हीं से रिलेटेड एम आर है, ये एम आर और ये एम आर. अब इस एम आर और इसके दरमियान में यहां से इन्होंने इसको खत्म कर दिया और इधर से इससे रिलेटेड इसको खत्म कर दिया, तो ये जो गैप आ रहा है, दिस इज दिस गैप विल रिमेन देयर विद इन आवर एम आर. एम आर का कर्व हमारी एम आर कर्व विल बी लाइक दिस. ये हमारी एम आर कर्व है. एम आर कर्व आ क्यों रही है इतना गैप? क्योंकि हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक जो डिमांड कर्व थी उसके रिलेटिव एम आर भी लिए हैं. ठीक है, कल दोबारा से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मजीद तसल्ली के साथ, तो इसको इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो अगेन. ठीक जी, तो आपका एलिशा जो क्वेश्चन हो वो भी कल आप काइंडली पूछ लें. जी, अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया.